हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के बवाना सेक्टर 2 ए 160 प्राचीन हर्ब्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सामने। और अभी आपको हम ले चलेंगे अंदर और दिखाएंगे अंदर कैसे हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है किस तरह से होता है। हमारे साथ आप बने रहिए। और हमारे साथ हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केमिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट हमारे साथ हैं उमेश जी। आपको ये सारा हाल अंदर का कैसे बनता है, कैसे कौन मशीनें किस तरह से काम करती है, किस किस मशीन पे क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है, किस तरह से हमारा काम हो रहा है, किस तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मशीनों पर, हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और चलिए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। आइए आइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टैंक है, बॉइलिंग टैंक से कहा जाता है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो भी जड़ी बूटी औषधि हमारी है जिससे हम लोग सिरप बनाते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे हमारे औषधियों के जो भी सिरप निकलते हैं इससे निकलते हैं, तो आपको हम दिखाएंगे और ये बताएंगे। आप बताइए इसके अंदर क्या कैसे क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है? ये इसकी प्रोसेस ये है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके, उनको सारा इकट्ठा करते हैं, उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम इस टैंक में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि हमारा एक बैच का प्रोसेसिंग हो रहा है। इसमें प्राकृतिक ऑलरेडी आपको दिख रही है। हाँ, ये बॉयल हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे कि इसमें से भाप भी निकल रहा है। ये हमारे पास ये कितने घंटे बॉयल होता है? ये कम से कम 10 घंटे। अच्छा, ये पहला प्रोसेस में आपको 10 घंटे ये बॉयलिंग होगी। हाँ जी, उसके बाद फिर ये यहाँ से जो है फिल्टर होके इसका क्वाथ निकलता है। अच्छा, ये क्वाथ निकलेगा यहाँ से फिल्टर होकर होते हैं वो निकल जाता है। अच्छा, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसके बाद भी होगा? नहीं, इसके बाद हम एक बड़े टैंक में शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं उसमें। हाँ, तो आपको हम वो भी दिखाएंगे हम शिफ्ट करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे मशीनें हैं उस पर क्या काम हो रहा है आपको दिखाते हैं। आइए आइए। तो ये आप और एक टैंक देख रहे हैं, जैसे आपने देखा पहले नीचे एक टैंक था उसमें तो हमने औषधि डाली हुई थी और बॉइलिंग हो रहा था, उसके बाद इस टैंक में शिफ्ट हो रहा है, क्या यही सब है? जी, जो हमारा क्वाथ निकल रहा था, जूसेस निकल रहे थे, वो हम इसमें शिफ्ट करेंगे फिल्टर करेंगे में जो कुछ जरूरतमंदी जो ग्रेटिव होती है वो हम इसमें। अच्छा, वहाँ से क्वाथ निकलने के बाद आपके कहने का मतलब है कि इसमें शिफ्ट होगा क्वाथ, उसमें और भी कुछ आप मिलाएंगे, मिक्स करेंगे जो हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं? जी। अच्छा, तो इसमें भी कितने घंटे का समय लगेगा आपको? इसमें 1 से 2 घंटे का समय इसमें लगेगा, 7-8 घंटे उसमें, 2 घंटे मतलब कि 9-10 घंटे का समय हो गया। इसके बाद इसके बाद फिर हम इसमें शिफ्ट करेंगे फिल्टर करके। इसमें शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला वहाँ आपने देखा जहाँ अभी बॉइलिंग हो रहा है, दूसरा ये टैंक आपने देखा जहाँ शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद उसमें मिलाया जाएगा प्रिजर्वेटिव, उसके बाद थर्ड टैंक ये रहेगा आपका, और उसमें शिफ्ट करने के बाद फिल्टर करके इसमें शिफ्ट किया जाएगा। फिर ये हमारी फिलिंग मशीन, उसके बाद यहाँ से ये आएगी, ये मतलब फिल करेगी बोतल को, फिल करेगी। अच्छा, यहाँ आपको, हाँ अच्छा, यहाँ से फिल हो बोतल। हाँ ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये है हमारे फिलिंग मशीन प्राचीन हर्ब्स की। कोई भी क्वाथ, कोई भी अगर आपको लिक्विड औषधि देखने को मिलती है या आपको मिलती है तो आप समझ पा जाएंगे कि इसी प्रोसेस से यहाँ पर फिल्टर होती है। तब और दिखाते हैं आपको ये हमारी कैपिंग। अच्छा, कैपिंग मशीन आपने देखा होगा बोतलों को मुझे कैप लगाया जाता है जी, वो कैपिंग मशीन यहाँ, मतलब कैप यहाँ लगाया जाता है, ये कैपिंग यहाँ होती है फिलिंग और कैपिंग मशीन। कैपिंग मशीन उसके बाद हम लेबलिंग करते हैं, वो मैनुअली होता है। अच्छा, लेबलिंग जो होता है वो मैनुअली होता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे, वो भी हम आपको दिखा देंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा, ये और ये मशीन, ये किस चीज़ की मशीन है? ये ऑयल फिलिंग मशीन है, ये आप देख पा रही है ऑयल फिलिंग, किसी किसी प्रकार का ऑयल हो, ऑयल फिलिंग हम इससे। अच्छा, मैं आप देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ शायद फ्री मतलब रखा गया है, ये पैन ऑयल, पेन ऑयल, ये पैन ऑयल, ये पेन ऑयल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिलिंग के लिए रखा गया है। ये भी एक फिलिंग मशीन है, इसमें ऑयल फिलिंग होता है। तो आपने देखा अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी कि ऑयल मतलब फिलिंग मशीन थी, और उसके बाद देखते हैं आगे और भी कुछ हो रहा है, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। अब ये आगे का प्रोसेस ये है, ये हमारी मैनुअली कैप्सूल मशीन है,
300 की है एक बार में। चलो मतलब एक प्लेट में 300 के आपकी बोलते हैं एक साथ। हाँ एक साथ। अच्छा ये जो फीलिंग हो रहा है मतलब मैनुअली फीलिंग हो रहा है, ये जो आप देख पा रहे थे अभी जो थोड़े पहले आपने देखा था वो जो टैंक में था जो आयुर्वेदिक औषधि वो था लिक्विड के लिए, और उसी चीज़ का जो पाउडर फॉर्म में है वो हम कैप्सूल में यहाँ डालते हैं। यही है वही चीज़ है, वही सेम चीज़ है जो आप देख पा रहे थे जो औषधि थी उसी का पाउडर फॉर्म है। जो आपने कभी कभी देखा होगा हमारे औषधि के साथ जो कैप्सूल आते हैं साथ में वो मिक्सर मशीन है। इसमें हम टैबलेट का जो प्रोसेस होता है हमारा, हम टैबलेट की प्रोसेसिंग पहला प्रोसेसिंग हम यहीं से करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारा 200 किलो का मिक्सर मशीन है, इसमें हम बैंडिंग का प्रोसेसिंग होता है हमारा, मिक्स करते हैं। हाँ मिक्स जो भी इंग्रेडिएंट वो भी पाउडर थी मिक्सिंग करते हैं, बैंडिंग करते हैं। बैंडिंग करते हैं आप देख रहे हैं होंगे कैल्शियम का बैच डला हुआ है, ये मिक्स हो रहा है, ये टैबलेट मिक्स हो रहा है। इसमें लगभग एक साथ में कितना चीज़ होता होगा? ये 200 ये 200 किलो मतलब 2 क्विंटल एक साथ में मिक्सअप कर सकते हैं। मिक्सअप का टाइमिंग कितना कितना जगह मिक्सअप होता होगा? ये उसको प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ क्वान्टिटी के ऊपर डिपेंड, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने देखा ये मिक्सअप कैसी है, इसके आगे क्या दिखाने वाले हैं आप लोग? ये इसके आगे जो प्रोसेस होता है मशीन है, आपने देखा जो वहाँ पर जो मिक्सअप हो रहा था उसको वहाँ से उठा करके उसका टिप किया जाता है और उसका ड्राई किया जाता है। उसके बाद सुखने के बाद कहाँ जाता है, कहाँ होता है सुखने के बाद? फिर सुखने के बाद इस मशीन में आता है, ये मल्टी मिल। अच्छा फर्स्ट आपने ये देखा यहाँ पर मिक्सअप किया, दूसरा आपने देखा वहाँ पर ड्राई किया, थर्ड प्रोसेस में टैबलेट का, ये यहाँ पे मल्टी मिल मशीन है। इसे कैंड्रोल तैयार होता है, कैंड्रोल तैयार होता है मतलब दाने जिसको पता है दाने के मतलब उसको जो पाउडर आपने देखा था वो दाने के रूप में यहाँ से तैयार होता है। इस मशीन के बाद फिर क्या होता है? इस मशीन के बाद फिर हमारा कंप्रेसर पे आ जाता है। टैबलेट बन रहा था वहाँ पे, टैबलेट तो आपने देख लिया, उसकी कोटिंग कैसी होती है, कलर कैसे करता है वो भी आपने देख लिया। अब देखते हैं उसकी पैकेटिंग कैसे होती है। मतलब टैबलेट तो आप पैकेट के रूप में जो मार्केट से खरीदते हैं, जो हमारे प्राचीन हाउस के डब्बों में आपको मिलता है, वो किस तरह से होता है, किस तरह से मिलता है आप खरीद देखते हैं। इसका नाम दिया गया ए जो पैकिंग मशीन है, किस तरह से पैकिंग होता है आप देख सकते हैं। सेम उसी तरह आपको जो आपने देखा उसी तरह रजिस्टर पैकिंग में आता है। ये हमारे रजिस्टर पैकिंग है, एक से हमारा प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन आएगा हम कल उसको। अच्छा मतलब ये रजिस्टर पैकिंग करते हैं, आपने इसके पहले देखा था जो पैक वाले जैसे आलू हम पैकिंग करते हैं, ALU आलू। ये है रजिस्टर पैकिंग मशीन। अभी का और क्या बन रहा था आपके पास? हमारी एक बैच कैसी मशीन है, आप उसको बैच नंबर कैसे डालते हैं, कंसेप्शन कैसे डालते हैं, एक्सपायरी कैसे डालते हैं, बैच कुकिंग मशीन वो हम आपको ऊपर ऊपर लगी हुई है वो आपको। आप देख रहे हैं आपके माध्यम से जो ये हमारा बैच कोटिंग मशीन है, ये हम आपके जैसे कि बैच नंबर
मैन्युफैक्चर जमात की जो छपता है ये वो मशीन। अच्छा, तो आप जैसे देख पा रहे हैं इस पे ये छप रहा है बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग और जमात की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लैक पेन से, तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डब्बे रखे हुए हैं, डब्बों में कुछ पैकेजिंग चल रही है। तो ये क्या करेंगे सर? ये हमारी इंफॉर्मेशन टैबलेट है विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी की गोलियाँ पैक हो रही थी। एक डब्बे में कितने गोलियाँ? 15 गोलियाँ। एक डब्बे में 15 गोलियाँ पैक हो रही है। आप मेलोरी पैक करा सकते हैं, क्या एक गोलियाँ पैक करते हैं? हाँ बिल्कुल, एक गोली का चाहिए। अच्छा, ये वाटर में डिस्पोजल है? डिस्पोजल। अच्छा, डिस्पोज हो जाता है वाटर में, उसके बाद हम मतलब पी सकते आप देख पी सकते हैं। ये मतलब विटामिन सी की मतलब टैबलेट्स है जो वाटर में आप डिस्पोज करते हैं उसको पी सकते। अच्छा, ये हमारा प्राचीन हर्ब्स का दूसरा यूनिट है। ये है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्राचीन हर्ब्स का दूसरा यूनिट, इसमें हम फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो गाइस, ये है हमारा कॉस्मेटिक सेक्शन। कॉस्मेटिक सेक्शन में हमने देखा, आप देख रहे होंगे कि हमने अपनी जो कॉस्मेटिक का प्लान होता है, मशीनरी वगैरह होता है, वो हमने पहले लगा दिया है। और अभी हमारा इसका कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये हमारा अभी लाइसेंस की प्रोसेसिंग चल रही है, लाइसेंस का प्रक्रिया चालू है। जैसे हमारे पास लाइसेंस आ जाएगा हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। कॉस्मेटिक में गाइस जितने भी आपको वैरायटी चाहिए वो आपको सारे आइटम मिल जाएंगे। फेस वॉश, बॉडी वॉश, जैसा भी होता है कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट सारे मिलेंगे। और ये हमारा ट्यूब फिलिंग मशीन है, ये देख रहे हमारा ट्यूब फिलिंग मशीन है। जो ट्यूब होती है, जो फेस वॉश बॉडी वॉश का ट्यूब होता है उसमें ये फिलिंग होता है, पूरी ऑटोमेटिक ये भी है। बवाना सेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। आइए देखते हैं अंदर क्या क्या काम होता है, कौन कौन लोग किस किस काम में रहते हैं। आइए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बवाना सेक्टर 2 का, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्राचीन हब्स का। तो आप इसमें बताएंगे ये सारे जो टेबल आप देख पा रहे हैं, आप उसमें इस पर किस किस तरह का लोग मतलब इसमें क्या क्या काम होता है? हमारे जो अकाउंट्स का सारा काम होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो ऑफिस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली का प्राचीन हब्स का ऑफिस, इसी यूनिट से इसी ऑफिस से हमारा जो सप्लाई होता है गुवाहाटी हेड ऑफिस में, उसके भी प्रोडक्ट जितने भी औषधियाँ वो सारा का डील यहीं से होता है। अकाउंट सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये हमारा अकाउंट सेक्शन अभी आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये जो सेक्शन हमारा है ये है जो आप देखते हैं बॉक्स पैकेजिंग, बॉक्स के ऊपर जो अपना डिज़ाइन बना रहता है वो सेक्शन ही है। यहाँ पर बंदा डिज़ाइन और अभी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से ये हमारे MD सर प्राचीन हब्स के यहाँ पर बैठे हुए हैं, खुद बैठ कर यहाँ पर अपने हिसाब से ये डिज़ाइनिंग बनवा रहे हैं बॉडी लेशन और शैम्पू के, है सर? अभी आपने अभी पैकेजिंग हम लोग का चेंज हो रहा है। पहले हम लोग चॉकलेट ब्राउन कलर में आता था हम लोग का पैकेजिंग, अभी हम लोग ने व्हाइट करवाया है। और बोतल रहेगा, ये बोतल रहेगा और हम लोग देख ही सकते हो आप लोग इसको व्हाइट करवाया बैकग्राउंड को, इसमें एक रॉयल सा लुक आएगा, ये डिजाइनिंग से एक रॉयल सा लुक आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो अभी आप देख पा रहे हैं नया और अट्रैक्टिव लुक के लिए हमारे एमडी सर खुद यहाँ बैठ करके डिजाइनिंग करवाते हुए। सर, ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस रूम में क्या होता है? ये हमारा सर सारा जितने भी देख रहे हैं ये सारा हमारा पैकेजिंग स्टोर रूम है। अच्छा, इसमें मतलब पैकेजिंग, इसका मतलब जो पैकेज जो होता है, जो खाली आउटर कार्टून वगैरह आते हैं, आउटर कार्टून का आउटर पैकेजिंग जो होता है, आउटर डब्बे होते हैं, आउटर डब्बे जो होते हैं उसमें। अच्छा, ये सारे पैकेजिंग मशीन है, स्टोर। हाँ जी, स्टोर रूम। आप यहाँ पर दिखाइए, और भी हैं बड़े, यहाँ पर काफ़ी बड़े हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। ये हमारा प्राचीन हब्स का पैकेजिंग स्टोर रूम देख पा रहे थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट पैक हो रहे हैं, अंदर स्टेपिंग करते स्टेपिंग करते स्टेपिंग हो रहा है, इसमें क्या प्रोडक्ट पैक हो रहा है, कहाँ जाने वाला है, ये आगे का हाल आपको बताएंगे। इसमें ये क्या हो रहा है? ये हमारा प्राचीन हब्स का बैग और प्रोडक्ट है, ये हमने इसमें अब ये हमारा फैनिलिक पैकिंग हो रहा है, स्टीक लग रही है जो ये ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी के लिए होता है, सेफ्टी के साथ ये जाता है यहाँ से हमारे गुवाहाटी हेड ऑफिस तक। इस बॉक्स में जो आप देख पा रहे हैं पैकिंग हो रही है हमारे प्राचीन हब्स की डायबाउ टैबलेट, इसके बाद एक गाड़ी पर चलेगी ट्रांसपोर्ट में जाएगी
ट्रांसपोर्ट वाले का इसके बाद हो जाएगा जिम्मेदारी हमें गुवाहाटी तक पहुंचाना। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जिस तरह से पैकेजिंग फाइनली हमने आपको पूरा काम किया, अपना एक्सप्लोर करवाया प्राची नाम का कहाँ पे क्या बन रहा है, किस तरह से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, और उसी के साथ अब लास्ट फाइनली ये पैकेजिंग के बाद ये हमारा हो रहा है डिलीवर। ये आगे का हाल बताइए कैसे होता है डिलीवर, इसके साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाएगी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले इसको हमारे गुवाहाटी के जो हेड ऑफिस है प्राची नाम का वहाँ इसको सामान जो भी हम अभी आपने देखा फूड सप्लीमेंट का सामान हमने लोडिंग किया ये पहुँचेगी हमारे गुवाहाटी हेड ऑफिस के प्राचीन ऑफिस के हेड ऑफिस तक। जैसा कि आपने हमारे साथ जुड़े रहे लगभग 2-3 दिनों से हमारे सारी प्रक्रिया किस तरह से क्वाथ बनता है, किस तरह से हमारा फूड सप्लीमेंट बनता है और किस तरह से हमारा बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है बॉडी लोशन बॉडी शैम्पू किस तरह से हमारा प्राचीन हब्स दिल्ली भवन सेक्टर का जो यूनिट है उसका जो ऑफिस है वो ऑफिस भी आपने देखा। तो लगभग हमने सारा अपना प्राचीन हब्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो भी प्रोडक्ट्स जो भी मशीन थी सबसे हमने आपको दिखाया और हमारे साथ जुड़े रहे शुरू से अंत तक यहाँ के केमिस्ट उमेश जी मैं बहुत बहुत आभारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हूँ जो आपने इतने व्यस्त समय में भी हमारे लिए समय निकाले और आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने भी हमारे साथ इतने दिन तक जुड़े रहे और इसके आगे भी अगर हमारे प्राचीन हब्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी हमारा यूनिट या फिर जो भी हमारे मशीनें जुड़ती हैं या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट जुड़ता है हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया।